भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर अध्यक्ष शफी बख्श ने बताया कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा राजस्थान सरकार के 2 वर्ष आगामी 13 दिसंबर को पूर्ण होने की खुशी में धार्मिक स्थलों पर दुआ व अरदास की गई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद इब्राहिम फकर और शहर अध्यक्ष शफी बख्श के संयुक्त नेतृत्व में सर्वप्रथम मोर्चे के कार्यकर्ता सेंट एस्लम चर्च गए, जहां फादर हीरालाल मैसी ने प्रार्थना करवाई। तत्पश्चात गंज गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सरदार दिलीप सिंह छाबड़ा और अन्य सिख समाज के गणमान्य लोगों ने अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया व अरदास करवाई। इसके बाद कार्यकर्ता शनि मंदिर होते हुए ख्वाजा साहब की दरगाह गए और सरकार के सुराज के 2 वर्ष पूर्ण होने का आभार और आगामी वर्षों के लिए राजस्थान सरकार के सफल कार्यकाल के लिए दुआ व मन्नत मांगी। ख्वाजा साहब की दरगाह में खादिम सैयद गफूर अली ने जियारत कराकर राजस्थान सरकार की कामयाबी के लिए दुआ खैर की। मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों को 13 दिसंबर को बसों और निजी वाहनों द्वारा जयपुर ले जाया जाएगा। आज ख्वाजा साहब की बारगाह में और दूसरे धार्मिक स्थलों पर हमने दुआएं की, अरदास की, सब कुछ किया और हमने जो मन्नत मांगी थी कि ये राजस्थान में सरकार आए और सरकार आने के बाद में सुराज का काम करे, अच्छा काम करे, लोगों की नेक नियति के लिए काम करे, वो उसमें सफल हुई है और उसी के 2 वर्ष पूर्ण होने की खुशी के अंदर आज हमने राजस्थान की सरकार के लिए आगे की कामयाबी के लिए और शुक्राने की चादर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश की कि ये जिस तरीके से सुराज रहा है आगे भी सुराज रहे और जनता को लाभ मिले। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल को मजबूती के साथ जनता के बीच भाजपा की रीति नीति उजागर करने के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे महिलाओं को भाजपा के दौरे चरित्र से परिचित करवाया जाए। ये कहना है कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त प्रदेश मुख्य संगठक राकेश पारिक का। पारिक का गुरुवार को इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस कमेटी और सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में पारिक ने जिला सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश मुख्य संगठक पारिक ने बताया कि 12 दिसंबर को भाजपा के खिलाफ प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र सिंह रालवता, पूर्व राज्य मंत्री ललित भाटी, हेमंत भाटी, पूर्व विधायक कयूम खान सहित जिला मुख्य संगठक शैलेन्द्र अग्रवाल और सेवा दल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ख्वाजा गरीब नवाज की धरती का मैं एक मामूली इंसान हूं, मुझे इतनी ताकत दें कि सेवा दल को और कांग्रेस को मैं मजबूती प्रदान करूं और ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन लोगों ने माहौल बना रखा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी बोलते हैं जाके, राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन जी और समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल विधानसभाओं में और लोकसभा में परचम फहराए, इसके लिए मैं यहाँ पे ख्वाजा साहब से मन्नत मांगने आया हूँ, ब्रह्मा जी के यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ। सेवा दल हर जिले में जो भी हमें प्रदेश कांग्रेस ने निर्देश दिए उसके अनुसार जिले में जिला मुख्य संगठक और हमारे प्रभारी उसमें ज्यादा से ज्यादा साथियों सहित भाग लेंगे और मेरे को भी जो निर्देश है मैं प्रदेश कांग्रेस के साथ उस धरने में कार्यक्रम में भाग लूंगा। हम इन्हें आग्रह करते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो कल धरने होने जा रहे हैं वो बहुत कामयाब धरने होंगे और जनता इनसे बहुत नाखुश है। हमने इस मीटिंग बाद निर्णय लिया है कि राजस्थान की जो भाजपा सरकार 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है 13 तारीख को, उसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 12 तारीख को पूरे प्रदेश में जिलों में जो मुख्यालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है इसमें अजमेर शहर सेवा दल के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और ये प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बी डी कल्ला जी के मार्गदर्शन में होगा, उनके नेतृत्व में होगा। इस कार्यक्रम में हमारे सेवा दल के सभी साथी पूरी तरह बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बैठक के बाद सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह पहुंचे पारिक ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में प्रदेश कांग्रेस की सफलता के लिए मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। पारिक को दरगाह के खादिम एसएफ हसन चिश्ती ने जियारत कराकर दस्तारबंदी की और तबरुक भेंट किया।
दरगाह जियारत के बाद कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राकेश पारिक पुष्कर सरोवर के मुख्य गौघाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र सरोवर की वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर सेवा दल को मजबूत बनाने की मनोकामना मांगी। इससे पहले पारिक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पारिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा सरकार ने 2 साल में कोई नया काम नहीं किया जिसकी उपलब्धि गिनाई जा सके। भाजपा केवल कांग्रेस सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर अपना नाम कमा रही है। उनके पुष्कर कार्यक्रम के दौरान पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कोडिया, दामोदर शर्मा, पूर्व पार्षद टीकम शर्मा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।